केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण जल शक्ति अभियान और फिट इंडिया अभियान के तहत नाहन में विशाल जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने रैली को हरी झंडी दिखाई। जल शक्ति अभियान और फिट इंडिया अभियान के तहत नाहन में शुरू की गई रैली को हिमाचल विधानसभा के अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने हरी झंडी दिखाई। इस दौरान स्कूली बच्चों ने करीब 3 किलोमीटर लंबी रैली निकालकर लोगों को जल संरक्षण और फिट इंडिया मूवमेंट के तहत संदेश दिया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने कहा कि केंद्र द्वारा संचालित ये दोनों ही अभियान बेहद महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि अभियान के तहत सिरमौर जिला में बेहतरीन कार्य चल रहा है और कई पुराने तालाबों और बावड़ियों का संरक्षण किया जा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष ने लोगों से अपील की कि लोग केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए इस अभियान में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। जिला सिरमौर जल रक्षण अभियान में आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। जिला सिरमौर ने माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों द्वारा विशेष रूप से बनाई गई बावड़ी को शुरुआत करके और अपने अभियान का श्रीगणेश किया है। पूरे जिले में और नाहन विधानसभा क्षेत्र में जगह जगह तालाब बनाना, बावड़ियां बनाना, पानी का संरक्षण करना, डैम बनाना, इस दिशा के अंदर एक महत्वपूर्ण कार्य चला है और आज उसकी अगली कड़ी में जागरूकता अभियान शुरू किया है। ऐतिहासिक चौगान मैदान से एक रैली प्रारंभ की है जो लगभग 3 किलोमीटर यात्रा करके वापिस आएगी और संदेश देगी कि जल शक्ति अभियान अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी द्वारा दिया गया फॉर्मूला यानी फिट इंडिया हिट इंडिया, और हम स्वस्थ हैं तो हम दुनिया में आगे निकल सकते हैं, इस बात को लेकर के फिट इंडिया मूवमेंट के ऊपर जागरूकता रैली का आरंभ किया गया। और हम ये आशा करते हैं हमारे प्रत्येक व्यक्ति योग करते हुए, अच्छा जलपान और भोजन करते हुए, एक्सरसाइज करते हुए अपने आप को स्वस्थ रखेंगे। सिटी चैनल के लिए नाहन से सतीश शर्मा की रिपोर्ट।